सीईपीए हो या फिर सामरिक संबंधों को भी रफ्तार देने की बात हो। बिल्कुल, अब मैं अपनी सीमित जानकारी में, मतलब जो मुझे दृश्यों में दिख रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे जो गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले जो सैनिक हैं वो अलग अलग रंग की ड्रेस पहने, तो निश्चित तौर से जैसे हम भारत में कहते हैं ट्राई कलर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर, तो उस तरीके का एक गार्ड ऑफ ऑनर ये एक बड़े बृहद सम्मान का सूचक होता है जो कि प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में इस्तकबाल में एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है। तो अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और उनके स्वागत के लिए खुद राष्ट्रपति जो यूएई के हैं नाहयान साहब वो वहाँ पहुंचे हैं उनका स्वागत करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए, और गर्मजोशी से जिस प्रकार से दोनों लोग दूसरे के गले मिले हैं, ये सातवीं यात्रा कितनी खुश मिजाज भरे माहौल में होने जा रही है, इससे तमाम प्रकार की जो दोस्ती को आगे, संबंधों को आगे बढ़ाने की जो बात की जा रही है उसके फलीभूत होने के लिए भी हम कह सकते हैं, और ये अपने आप में दिखाता है कि ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ में एम्बेसडर चंद्रमोहन काली जी लगातार बने हुए हैं, आप यूएई में भारत के पूर्व राजदूत रहे हैं, आपसे हम इस बात को चर्चा आगे बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि जो पहली तस्वीरें अब अबू धाबी से आई हैं वो दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत हुआ है। तो कहते हैं ना कि शुरुआत अगर ऐसी है तो निश्चित तौर से आगे के लिए उम्मीदें बढ़ती हैं, इस सातवीं यात्रा के लिहाज से किस तरह से आप अपने शब्दों में इसको बयां करेंगे एम्बेसडर भंडारी? जब से प्रधानमंत्री जी का जो स्टाइल है ऑफ फंक्शनिंग, तो यही स्टाइल अरब लोगों का है। मुझे याद है जब मैं वहां ज्वाइन ही मैंने किया था 2005 में, अभी 4 दिन ही मुझे हुए थे, तो उस समय चंद्रबाबू नायडू जी आंध्र प्रदेश के उस समय चीफ मिनिस्टर होते थे और वो सिर्फ डे विजिट पर दुबई रुके थे, तो उस समय जो वहां के दुबई के जो शेख थे उनके मंत्री थे पर बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करना चाहते हैं तो मैं गवर्नमेंट, और अगर आप प्राइवेट टू प्राइवेट बिजनेस टू बिजनेस बात करना चाहते हैं तो मैं ही कंपनी का मालिक भी हूँ। तो वहां खाड़ी के देशों में ये सबसे बड़ी चीज है कि वहां सरकार तो है लेकिन सरकार एक ही जो शेख है जो उनके सरबरा वही उन्हीं के कहने पर सब होता है, तो वहां पर स्पीड ऑफ बिजनेस बहुत तेज होती है। मुझे मालूम है जब मैं शेख मोहम्मद साहब के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल से मिला था, शेख मोहम्मद बिन राशिद जो दुबई के शेख हैं, तो उनकी विजिट की बात हो रही थी एज प्राइम मिनिस्टर टू इंडिया, पहली विजिट होने की मेरे समय हुई थी, तो उनके चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने यही कहा कि भाई हमारी शेख चाहते हैं कि हम सुबह अपने एग्जीक्यूटिव जेट से वहां पहुंचेंगे 9-10 बजे और 4-5 बजे तक अपना बाका करके वापस आए। तो उन लोगों का जो एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है इट इज बिजनेस लाइक, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी हर चीज में बिल्कुल, मतलब कहीं भी वहां कोई बिजनेस में रुकावट नहीं है और ओपन प्लेटर दिया जाता है, तो इसीलिए इतने हमारे खाड़ी के देशों से जो संबंध है वो इतनी जल्दी इतने आगे बढ़ गए हैं, जो कि एक तरह से एक मिरेकल ही कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो हमारे पड़ोसी हैं इन्होंने जो एक दीवार खड़ी की हुई जी। वो दीवार पूरी तरह से हमारे करंट प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल हटा दिया है, तो अब हमारे और खाड़ी के देशों के संबंध में कोई तीसरा मोड़ बीच में नहीं रोक सकता, तो ये एक बहुत बड़ी